नमस्कार साथियों, डेफोडिल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास की गर्भावस्था के बारे में, शिशुअवस्था के बारे में और बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज इसी कड़ी में हम अगली अवस्था के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किशोरावस्था। अवस्था का नाम क्या है? किशोरावस्था। वैसे अगर देखा जाए तो ये बाल विकास की अंतिम अवस्था है और सभी अवस्थाओं में सबसे रोमांचकारी, सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा आनंददायी, सबसे ज्यादा दुखदायी अवस्था है। याद करने में ये इसलिए आसान है क्योंकि अभी जब जो हम तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रौढ़ावस्था से गुजर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं, और हमने जो पिछली अवस्था देखी थी वो अवस्था थी किशोर अवस्था, और वो अवस्था हमारी सबसे यादगार अवस्था थी। तो चलिए इस अध्ययन के इसकी इसी कड़ी में इसका अध्ययन करते हुए अपन पढ़ते हैं। किशोर को एडल्ट बोलते हैं और इस किशोरावस्था का नाम है एडोलेसेंस। स्टेनली हॉल ने किताब लिखी थी, स्टेनली हॉल इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था एडोलेसेंस, और इस एडोलेसेंस को ही क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। इस एडोलेसेंस को अगर देखा जाए तो ये एडोलेसेंस जो है वो एडोलसियर से बना है। एडोलसियर से सबसे पहले शाब्दिक अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं कि किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई। तो किशोरावस्था को एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस शब्द का इस्तेमाल स्टेनली हॉल ने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम भी क्या था? एडोलेसेंस था। किशोर के ऊपर एक किताब लिखी थी इस स्टेनली हॉल के द्वारा। जो किताब लिखी गई इसमें जो एडोलेसेंस शब्द लिखा गया, इस एडोलेसेंस शब्द का जो मूल शब्द है, जो अर्थ है, कहां से आया, ये अगर देखा जाए तो ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा से, और लैटिन खुद किसका भाग है? ग्रीक के एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का नाम है। ग्रीक या लैटिन का जो शब्द है एडोलसियर, उस एडोलसियर जिस प्रकार से साइकोलॉजी साइकी से बना था प्लस लोगस से बना था, उसी प्रकार से एडोलसेंस को देखा जाए तो ये एडोलसेंस ग्रीक या लैटिन शब्द किससे बना है? एडोलसियर से बना है। और इस एडोलसियर का मतलब क्या होगा? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि इस एडोलसियर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परिपक्वता की ओर बढ़ना। और इसी का एक और पर्याय भी लिया जाता है, ये पहला अर्थ है इसका। दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका प्रजनन क्षमता का विकास होना, प्रजनन क्षमता का विकास होना। ये इसकी शाब्दिक अर्थ की उत्पत्ति है। हमने ऐसे कई शब्द देखे हैं जिनकी उत्पत्ति किसी न किसी दूसरी भाषा से हुई है, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मनोविज्ञान को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी के अंदर साइकोलॉजी बोला जाता है। साइकोलॉजी को अगर देखा गया तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से बना है, और वो जो साइकी प्लस लोगस है वो लैटिन भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब बात ग्रीक या लैटिन की आए, उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़े तो अपने को पहले ग्रीक सही करना है। इसी प्रकार से इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो नाम आया था शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान में जो शिक्षा शब्द था वो शिक्ष धातु से बना, और शिक्ष धातु खुद संस्कृत का शब्द है, यानी कि शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से बनी हुई है। शिक्ष का अर्थ था सीखना और सिखाना। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पर एक शब्द जो शिक्षा है उसका आंग्ल भाषा में रूपांतरण था, वो था एडुकेशन। और एडुकेशन जो शब्द है वो दो रूपों में प्रचलित है, कि इनकी उत्पत्ति दो रूपों में मानी जा रही है। एक तो था ई प्लस ड्यूको, ये दोनों, और दूसरा शब्द जो था उसका वो था एडुकेटम। या इसी प्रकार से इस कड़ी में हमने गर्भावस्था पढ़ी, शिशुअवस्था पढ़ी, बाल्यावस्था पढ़ी, और जब किशोर अवस्था का नंबर आया तो किशोर को बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस किताब किसके द्वारा लिखी गई? स्टेनली हॉल के द्वारा। और स्टेनली हॉल के द्वारा जो किताब लिखी गई तो इस शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर से मानी जाती है। एडोलसियर किस भाषा का है? ग्रीक का या फिर लैटिन का। और ये एडोलसियर जो है, इस एडोलसियर का हिंदी के अंदर शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परिपक्वता की ओर बढ़ना या फिर प्रजनन क्षमता का विकास होना। इतना क्लियर है? ये शब्द पढ़ने के बाद
ये जो किताब है ये 1911 में लिखी गई थी, पुस्तक कब लिखी गई थी, 1911 के अंदर। इतना सब पढ़ने के बाद अपन अब इस विशेषताओं की, इस अवस्था की मुख्य बातों की ओर बढ़ते हैं। ये तो था इसके शब्द का परिचय कि ये शब्द कहाँ से आया, उत्पत्ति किसने की, किस रूप में इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं किशोर अवस्था की विशेषताओं की। इसके बारे में जो एक शब्द प्रचलित है वो शब्द है कि इसको टीन एज कहा जाता है। इसी अवस्था का उपनाम एक और है, वो है टीन एज। अब टीन एज के बारे में ये संप्रति है कि ये टीन एज किस काल से किस काल की ओर होगा। सामान्यतः किशोरावस्था को 12 से 18 माना जाता है, क्योंकि 18 साल का बालक है, अब वो मेच्योर हो जाएगा 18 साल के बाद, और मेच्योर का मतलब परिपक्व है। इसका मतलब परिपक्व अवस्था 18 के बाद की होती है। लेकिन अगर टीन एज के बारे में देखा जाए तो टीन एज को 18 तक माने या 19 तक माने, दो कन्फ्यूजन तो यह है कि इन दोनों में से कौन सा एक राइट होगा, और दो कन्फ्यूजन ये कि 12 से 18 माने या 13 से 18 माने। अगर ये क्लियर हो जाता है तो ये कन्फ्यूज रहता है कि 12 से 19 माने या 13 से 19 माने। यानी कि अगर 18 और 19 के साथ अगर अपना कन्फ्यूजन सही है, इन दोनों में से कोई एक बात हम अच्छे से जानते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि वो 12 से स्टार्ट है या 13 से स्टार्ट है। यानी कि टीन एज की वास्तविक जो समय सीमा है वो कब से लेकर कब तक होती है, ये अगर देखा जाए तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 12 से 18 है या 13 से 18 है, 12 से 19 है या 13 से 19 है, इसके बारे में ध्यान रखना है। पहले इस बारे में चर्चा करने के लिए अपन एक चीज देख लेते हैं कि जब हम 12 को इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे 12, और 13 को बोलेंगे तो उसको बोलते हैं 13। ये 13 का, ये 12 का। इसी तरह से 14 का 14, 15 का आ जाएगा 15, 16 का आ जाएगा 16, 17 का आ जाएगा 17, 18 का आ जाएगा 18, और 19 का आ जाएगा 19, और 20 का आ जाएगा 20। अब हम ये देख लेते हैं कि जिस अवस्था में टीन नाम आ रहा है, जिस भी प्रोनाउंस में, जिस भी उम्र के साथ टीन नाम आ रहा है, उसी को ही टीन एज कहा जाता है। और टीन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 13 से, और खत्म कहां पर हो रहा है, 19 तक। यानी कि 13 से लेकर 19 की जो आयु वर्ग है उस आयु वर्ग को क्या कहेंगे, टीन एज कहेंगे। किशोरावस्था का सामान्य प्राय 12 से 18 तक लिया जाता है, लेकिन टीन एज जो है वो टीन एज अगर ये पूछ ले कि ऐसे ऑप्शन में से, ऐसी कंडीशन में से आप किस एक ऑप्शन को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हो, तो हमारा जो उत्तर होगा वो 13 से लेकर कौन सा होगा, 19 तक होगा। उदाहरण क्या है इसका, कि अगर 13 स्टार्ट किया जाए तो टीन की आरंभ होती है, और 19 लिखा जाए तो टीन 19 तक चलती है। 20 के अंदर कहीं टीन नाम नहीं आ रहा, और 12 के अंदर भी कहीं टीन नाम नहीं आ रहा, इसलिए टीन एज का कौन सा उत्तर होगा, 13 से 19। तो किशोरावस्था का जो एक नाम है वो कौन सा है, 13। किशोरावस्था का जो टीन एज है, उपनाम इसका जो है, उसका आयु वर्ग जो है कि कहां से कहां तक है, वो कौन सा होगा, 13 से लेकर 19 तक हो जाएगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन कौन सा दूर हो गया, कि टीन एज इसको कहा जाता है, और टीन एज का मतलब क्या होता है, 13 से 19, टीन एज, और टीन एज का मतलब क्या हो जाएगा, 13 से 19। समझ में आ गई बात। आपको पता होगा कि विदेशों के अंदर किशोरों को शिक्षा देने के लिए टीन कॉलेज खोले जाते हैं, उनको उस अवस्था में उनके लैंगिक विकास के अकॉर्डिंग, मानसिक विकास के अकॉर्डिंग, उनके मन में उठने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विचारों के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। इसलिए वहां पर उनको लैंगिक शिक्षा का भी ज्यादा महत्व है, वहां पर मानसिक शारीरिक विकास की तरह लैंगिक विकास के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है, और वो जो कॉलेज है वो उनके लिए टीन कॉलेज कहलाते हैं। तो टीन कॉलेज का मतलब होता है 13 से लेकर 19 के मध्य आयु वर्ग आने वाले जितने भी बालक बालक हैं उनके संदर्भ में टीन शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, जीवन का सबसे
कठिन काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो हमने पहले एक बार चर्चा की थी कि जब बालक 12 साल का और 13 साल का होता है, 12 साल से बालक से वो जब किशोर बनता है तो उसके अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। बालिकाओं के अंदर भी अचानक शारीरिक परिवर्तन होता है और बालकों के अंदर भी अचानक शारीरिक परिवर्तन होता है। बालिका जो है वो तो अब एक किशोरी बनने जा रही है और बालक जो है वो क्या बनना है? किशोर बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल तक जो वो बचपने में था, उसके बाद जैसे जैसे वो 13 साल 14 साल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके बालिका है, उसके स्तन का विकास होगा, शारीरिक अंगों का विकास होगा, उसके अंदर जो कोमलता है वो धीरे धीरे अब एक किशोरी के रूप में परिवर्तित होने लग जाएगी। इसी तरह से बालक है, उसके कोमल अंग है वो धीरे धीरे कठोर हो जाएंगे, त्वचा कठोर हो जाएगी, उसके दाढ़ी मूछे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि सभी तरह के हार्मोन्स के उत्पन्न होने के कारण, उनके अंगों के अंदर, उनके मानसिक परिवर्तन के कारण, उनके शारीरिक परिवर्तन के कारण, उनके अंदर मानसिक और शारीरिक उथल पुथल जो विचार है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इस कारण ऐसी स्थिति को हमने पहले नाम दिया था परिवर्तन काल, या किन्हीं भी दो अवस्थाओं का मिलन क्या कहलाता है? संक्रमण काल। और इसी को एक नाम और दिया था वय संधि काल। तो ये सब इन्हीं दो तीन सालों के घटनाक्रम के कारण ही नाम है इसके। तो ध्यान रखना कि किशोर के जीवन के अंदर जो 13 से 19 तक की आयु है उसके अंदर मानसिक और शारीरिक संतुलन ना हो पाने के कारण वो बालक हार्मोन्स के कारण शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसको मन की बात माननी पड़ेगी और मन की बात अगर वो मानेगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो समाज में व्यक्त करने के लिए जायज नहीं होगी। तो परिवार वाले, उसके अभिभावक, उसके बड़े भाई, उसके परिवार के आस पड़ोस के सदस्य उस बात का विरोध करेंगे और विरोध करेंगे तो उनको लगेगा कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरी बात को अभिव्यक्त नहीं करवाना चाहते, इसलिए उनको लगेगा कि हर जगह मुझे कठिनाई महसूस हो रही है। तो जो किशोरावस्था होती है वो बालक के लिए एक कठिन काल है। तो इस काल को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो जीवन का कठिन काल कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे वो थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने एक परिभाषा और भी दी है। पहले हमने बताया था कि बालक जब बदमाशी करने लगे, बालक जब समाज में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे तो आप ये सोचो कि उनको पेटी में बंद करके आगे से किला लगा देते हो। इसका मतलब बाल्यावस्था सामाजिक प्रतिद्वंद्विता का काल है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति भी कौन थे? किलपैट्रिक थे। और जब बच्चा किशोर हो गया तो जीवन का सबसे कैसे बना किशोर, कैसे बना किलपैट्रिक और कैसे बना कठिन काल? तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। किसने कहा था ये? किलपैट्रिक ने। तो एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो गया कि जीवन का सबसे कठिन दौर है, सबसे कठिन काल है, वो कौन सा काल है? किशोरावस्था। दूसरा ये है इसके बारे में कि आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था, इन चार नामों के अंदर इस पूरी किशोरावस्था की ज्यादातर बातें आ जाती हैं। आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था की मुख्य पहचान है। ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है स्टेनली हॉल। पहले भी जिक्र किया इनका और बहुत ही अच्छी परिभाषा दी इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था जीवन का आंधी का, तूफान का, तनाव का, संघर्ष का काल है। हम कठिन काल पढ़ चुके हैं तो वो नाम दिया था किलपैट्रिक ने और उसी नामों को और अधिक वर्णन करने का काम, जैसे जीवन किशोरावस्था का जो जीवन काल है उस काल के अंदर जिस प्रकार से आंधी आती है तो जैसे घरों में आंधी आती है इसका मतलब सब कुछ उथल पुथल करके रख देती है। तूफान आता है तो तूफान का मतलब है कि हम उससे रोक नहीं सकते, उसके द्वारा ये देखते हैं कि कम से कम नुकसान हो। तो किशोर के मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी एक तरह से तूफान लेकर आते हैं। किशोर के अंदर जो भी क्रिया होती है उससे घरवालों को परेशानी हो जाती है या घरवाले कुछ कार्य करते हैं उसके ऊपर अंकुश करते हैं तो किशोर के मन में आंधी सी उत्पन्न होती है, वो तनाव का शिकार हो जाता है और संघर्ष की अवस्था में रहता है। तनाव का मतलब हो जाएगा कि वो कुछ काम करना चाहेगा, घरवाले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे, रोकेंगे। अब वो मन ही मन में ये सोचेगा कि मेरे को कोई काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा। संघर्ष का मतलब ये हो जाएगा कि विचार जो है दोनों के मध्य, जैसे कोई भी एक घटक, वो जो किशोर नहीं है और वो जो किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं,
जो अन्य व्यक्ति हैं वो ये इस अवस्था को या तो जानते हैं कि हाँ ये जब ये सब चीजें इस अवस्था में होती है ये नुकसानदायक है, या वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये इस गलत कार्यों को ना करे। इन दोनों के मध्य द्वंद्व चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। द्वंद्व का मतलब ये होता है कि दो परिस्थितियों के मध्य चलने वाली मानसिक प्रक्रिया, जिसके अंदर दो घटक आपस में एक दूसरे के प्रति मानसिक रूप से मैच नहीं हो रहे, ये द्वंद्व कहलाता है। तो ये अवस्था द्वंद्व है और इसी का पर्याय क्या है, संघर्ष का काल है। आप द्वंद्व कह दीजिए, संघर्ष कह दीजिए, एक ही नाम है। तो आंधी का, तूफान का, तनाव का, संघर्ष का काल कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। ये दोनों ही परिभाषाएं भी हैं, कोटेशन भी है, इनको अपन वापस एक बार जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी अपन इसके विशेषताएं या उपनाम पढ़ रहे हैं। तो जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, आंधी, तूफान, तनाव और संघर्ष का काल कहा जाता है। अब एक नाम आता है चिंतन, और ये एक रूप मूर्त रूप में चलता है और एक है अमूर्त रूप में। मूर्त का मतलब है कि कोई वस्तु आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, और उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये कौन सा चिंतन कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। और यदि कोई वस्तु सामने थी लेकिन अब नहीं है, फिर भी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वो चिंतन कौन सा हो जाएगा, अमूर्त चिंतन हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक किसी सोप के ऊपर जाता है, सोप के ऊपर जाकर के उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे बच्चे को ड्रेस लेनी है, आप शर्ट दिखाइए इसको। और बच्चा, ये बच्चे को पूछा कि कौन सी शर्ट लेगा, बच्चे ने कहा कि सुंदर सी शर्ट लूंगा। अब अध्यापक, सॉरी, वो जो अभिभावक है, वो अभिभावक कह रहे हैं कि आप इसको एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की, एक येलो कलर की, एक पिंक कलर की शर्ट लाकर दिखा दो। बच्चा उनके कलर को देख करके ये कह रहा है कि मैं इन चार में से ये वाली शर्ट लूंगा। इसका मतलब बच्चे ने इन चारों को देखा, देख करके जैसा विचार देख करके कर सकता था वैसा विचार किया और चिंतन किया कि ये बस ये जो शर्ट है ये ठीक लग रही है, ये मेरे को सुंदर लग रही है। तो बच्चे ने जो चिंतन देख करके किया वो चिंतन कौन सा है, मूर्त चिंतन है, क्योंकि उसने देख करके चिंतन किया। लेकिन अब यदि एक बालक जो किशोर है, जो 13 साल 14 साल की उम्र में है, वो किसी बुक शॉप पे जाता है और वहां जाकर ये कहता है कि मुझे आप पेन दिखलाइए, और दुकानदार ने उसको ब्लू पेन दिखलाया, ब्लैक पेन दिखलाया और रेड पेन दिखलाया, और उसको ब्लैक पेन लेना था। वापस समझ लीजिए, एक छोटा एक बालक जो किशोर है वो एक दुकानदार के पास जाता है और वहां जाकर कहता है कि मुझे पेन दिखलाइए, उसको ब्लैक पेन लेना था। दुकानदार ने उसको ब्लू पेन दिखलाया और ब्लू पेन को देखकर कहता है कि ये नहीं चाहिए, ब्लैक दिखाइए। ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास पहले से ब्लू पेन अवेलेबल था, उपलब्ध था, और उस पेन को देख करके उसको अपने घर पर रखे पेन के साथ उसने सोचा कि ऐसा पेन ब्लू जो है वो तो मेरे पास पहले से है, मुझे तो ब्लैक पेन लेना है। अब ये बालक उस ब्लू पेन को वो जो मूर्त अवस्था में घर पे रखा था, लेकिन अब इस अमूर्त रूप में उसको उसको देखते याद आ गया, वो चिंतन कौन सा है, अमूर्त चिंतन है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वही बालक जो ये शर्ट देख करके तय कर रहा है कि मुझे इनमें से कौन सी शर्ट लेनी है, वही बच्चा यदि इन चार शर्ट में से व्हाइट शर्ट को देख करके ये कहे कि ऐसी शर्ट तो मेरे पास घर पर रखी हुई है, इसका मतलब इस मूर्त वस्तु को देख करके उसको लेने या ना लेने का फैसला वो घर पर रखी शर्ट के साथ मैच करके बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शर्ट को देख करके उसके घर पे रखी वो अमूर्त अवस्था की बात उसको कह रही है, या अमूर्त अवस्था की बात उसको ये बता रही है कि आपको शर्ट लेनी है या नहीं लेनी है। व्हाइट शर्ट को देखकर नेग्लेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले से व्हाइट शर्ट है। इसका मतलब उसके अंदर कैसी क्षमता आ गई, अमूर्त तार्किक क्षमता आ गई, अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता आ गई। यानी कि किसी भी चीज को, टेंथ के एग्जाम है 5 महीने बाद और उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक बालक उस हिसाब से पढ़ रहा है कि मेरा 4 महीने के अंदर एक बार सिलेबस हो जाए, एक लास्ट वाले 15-20 दिनों में रिवाइज हो जाए,
और वो इसी बात को सोच करके, आगे की बात को सोच करके पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, ट्यूशन लगाना स्टार्ट कर देता है, या फिर कहीं से भी उसने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब बालक आगे की सोच करके कार्य करना स्टार्ट कर रहा है, तो आगे की सोच करके अमूर्त चिंतन कर रहा है। तो किशोरावस्था में कैसा चिंतन होगा फिर? अमूर्त चिंतन की अवस्था। और अमूर्त चिंतन में क्या होता है? मूर्त भी शामिल होता है, क्योंकि जब वो वर्तमान में कार्य करेगा और उसका परिणाम दूरगामी भी होगा। इसका मतलब जब मूर्त नाम आए, सॉरी अमूर्त नाम आए, तो उसमें कैसा नाम आ जाएगा? मूर्त भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब कैसा चिंतन है? अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। इसी को आप तार्किक बोल सकते हो, तार्किक चिंतन की अवस्था। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, कोई भी संख्या 2 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उसके पहले यदि आप धनात्मक लगाते हो, इसका मतलब ये संख्या धनात्मक है। यदि आप ये निशान नहीं लगाते और माइनस का निशान नहीं लगावा, ऋण का निशान नहीं लगावा, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप कोई निशान नहीं लगाओगे तब तक वो संख्या धनात्मक ही मानी जाएगी। यदि आपने कोई निशान ऋणात्मक लगा दिया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह संख्या धनात्मक नहीं है, यह संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। तो यदि इस तार्किक के पहले मूर्त और अमूर्त नाम नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह मूर्त भी है और अमूर्त भी है। इसका मतलब दोनों प्रकार के चिंतन में वो क्या कर सकता है? तर्क कर सकता है। तो जहां भी तार्किक चिंतन का नाम आए, इसका तात्पर्य यह होगा कि मूर्त भी है और कौन सा है? अमूर्त भी है। हाँ, केवल मूर्त तार्किक चिंतन की बात है तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? बल्य अवस्था हो जाएगी। तो जीवन का सबसे कठिन काल, आंधी तूफान, तनाव और संघर्ष की आयु, और अमूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। आप इसी को उलझन की अवस्था भी कह सकते हो, या अटपटी अवस्था कह सकते हो, उलझन की या फिर अटपटी अवस्था का नाम इसको दे सकते हो। हमने संवेगों की बात की थी कि शिशु के अंदर जो संवेग होते हैं वो कम होते हैं या कम प्रदर्शन करता है। कम प्रदर्शन किसका? संवेगों का। कौन सी अवस्था में था? शिशु अवस्था में। लेकिन जब किशोर की बात आए तो किशोरों के साथ यदि आप किसी बात को ना मानोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, तो वो संवेगों को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और प्रदर्शित करेगा इसका मतलब उसके अंदर संवेगों का क्या पाया जाता है? बाहुल्य पाया जाता है। तो संवेग बाहुल्यता कह दो या संवेगों का बाहुल्य किस काल की पहचान है? तो उत्तर क्या होगा? किशोर अवस्था की। संवेग न्यूनता उत्तर क्या होगा? शिशु अवस्था की। अब एक दो अवस्था बच गई, वो अवस्था कौन सी है बीच में? बाल्य अवस्था। उस अवस्था के अंदर संवेगों के ऊपर नियंत्रण आरंभ हो जाता है, वो संवेग स्थिरता का काल कहलाता है। संवेग स्थिरता किस काल की पहचान है? बाल्य काल की। संवेग बाहुल्यता किस काल की पहचान है? किशोर अवस्था की। और संवेगों का न्यून प्रदर्शन किस काल की पहचान है? शिशु अवस्था की। तो संवेगों के संदर्भ में तय होगी बात। देखो, सभी अवस्थाओं की कोई ना कोई विशेषता बढ़ते क्रम में या कोई ना कोई अवस्था कम होते क्रम में एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर होती है। तो यदि हम उन चीजों को जोड़कर याद करेंगे तो हम आसानी से उसको याद कर पाएंगे। अगला एक नाम हमने पढ़ा था मित्रता का। अब बात करते हैं शेष अवस्था के अंदर जो मित्रता थी वो मित्रता कैसी थी? क्षणिक मित्रता। और बाल्य अवस्था के अंदर वो मित्रता कैसी आ गई? निस्वार्थ मित्रता। लेकिन ध्यान रखना, ये क्षणिक मित्रता अपने ही उम्र के शिशु के प्रति थी, और ये जो निस्वार्थ मित्रता है ये समलिंगी के प्रति थी। समलिंगी का मतलब ये हो गया कि बच्चा बच्चे के साथ और लड़की लड़कियों के साथ मित्रता रखती है। ऐसी अवस्था जो थी, ऐसी अवस्था थी बाल्य अवस्था। और अब अपन बात कर रहे हैं किशोरावस्था की। तो ध्यान रखना, किशोरों के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होने के कारण लैंगिक अंगों के अंदर, लैंगिक अंगों में क्या आ जाएगा? बदलाव होगा या उनका विकास हो जाएगा, और इस कारण बालक जो हैं वो बालिकाओं की तरफ और बालिकाएं जो है वो बालकों की तरफ आकर्षित होती हैं।
और जो किशोरावस्था का ये जो गुण है, इस गुण के कारण विपरीत लिंगी, विपरीत लिंगी का मतलब किशोर किशोरियों की तरफ और किशोरिया किशोरों की तरफ आकर्षित होती है। विपरीत लिंगी क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। और विपरीत लिंगी आकर्षण जो होगा वो अपने ही हम उम्र वर्ग के साथ होगा, अपने ही आयु के समान होगा। हम उम्र को आप समवयस्क बोल सकते हो। दो नाम आए हैं, एक तो नाम है समलिंगी। समलिंगी का मतलब होता है कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग अपने हिसाब से अपने अपने ही वर्ग के साथ मित्रता कर रहे हैं। और जो नाम यहाँ पर दूसरा आया है वो है समवयस्क। समवयस्क का मतलब होता है कि समवयस्क एक अगर बालक 17-18 साल का है तो 17-18 साल की बालिका के साथ मित्रता रखेगा। यदि बालक का आयु वर्ग 14-15 साल है तो वो 14-15 साल के आसपास के आयु वर्ग के साथ विपरीत लिंगी के साथ मित्रता रखेगा। इसको बोलते हैं समवयस्क मित्रता। तो अगली पहचान क्या हो जाएगी? समवयस्क। इसी को क्या बोलेंगे? हम उम्र मित्रता का काल, मित्रता की आयु। ध्यान रखना, समवयस्क बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो? हम उम्र बोल सकते हो। ये एक बार आप जैसे जैसे जीवन का सबसे कठिन काल, उलझनों की आयु, अटपटी अवस्था, आंधी तूफान, तनाव या संघर्ष की अवस्था, अमूर्त तार्किक चिंतन या तार्किक चिंतन की अवस्था, संवेगों का बाहुल्य पाया जाता है, लैंगिक अंगों के विकास के कारण विपरीत लिंगी के प्रति क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। और आकर्षण के कारण अपनी ही हम आयु के साथ, हम उम्र के साथ इनमें क्या पाई जाती है? मित्रता की भावना पाई जाती है। अगली विशेषताओं के अंदर अपन देखेंगे कि जो किशोरावस्था है उसके अंदर कौन कौन से गुण और पाए जाते हैं। इसको एक तो जीवन की बसंत ऋतु कहा जाता है। बसंत ऋतु क्यों कहते हैं? क्योंकि बसंत ऋतु में आप जानते हो कि फूल खिलते हैं, फल बनते हैं। और किशोरावस्था में क्या होते हैं कि किशोरावस्था के अंदर जीवन के अंदर नए नए अनुभव आते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में अपने आप को कोई कार्य करके सफल मानता है। तो इस काल को क्या मानते हैं? जीवन की बसंत ऋतु। इसको बोलते हैं जीवन का गोल्डन टाइम या इसको बोलते हैं गोल्डन एज। और इसी का नाम क्या हो जाएगा? स्वर्णिम काल। गोल्डन एज कह दीजिए या स्वर्णिम काल कह दीजिए। इसी को कहा जाता है प्यूबर्टी एज। इसी को कहा जाता है सुंदरता की आयु। किशोरावस्था के अंदर आपको पता है कि बालक और बालिकाओं के अंदर अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप की सुंदरता को व्यक्त करने का गुण पाया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुंदरता की आयु बोलते हैं। एक और नाम जो इसका एज ऑफ ब्यूटी। एक नाम तो है प्यूबर्टी और एक नाम क्या है? ब्यूटी। अब मोटे तौर पर अगर अपन ये देखेंगे कि ये जो गुण है ये किस अवस्था में ज्यादा प्रधान पाए जाते हैं, तो जो किशोरावस्था है वो हमने देखा था कि 12 से 18 या 12 से 19 वर्ष तक पाई जाती है। अगर अपन टीनेज नाम को देखें तो 12 से 19 वर्ष पाया जाता है। इसको हमने मोटे तौर पर दो भागों में बांट रखा है। तो पहला जो वर्गीकरण है वो तो कहलाता है 12 से 15 का, और दूसरा वर्गीकरण है वो कहलाता है 15 से 19 का। आप जानते हो कि पहले वाला भाग जो है वो तो कहलाता है पूर्व किशोरावस्था, और बाद वाला भाग वो क्या कहलाता है? उत्तर किशोरावस्था। अगर अपने को ये पूछा जाए कि किस काल के अंदर कौन सी बात ज्यादा प्रधान होती है, तो हम देखेंगे कि 12 से 15 की अवस्था जो है वो तो कहलाती है पूर्व किशोरावस्था, और 15 से 19 की जो अवस्था है वो कहलाती है उत्तर किशोरावस्था। तो हम ये देखेंगे कि ये जो जीवन के अंदर 12 से 15 का काल है, 12 से 15 के काल के अंदर बालक धीरे धीरे किशोर बन रहा है। तो बालक के अंदर कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो बालक के थे धीरे धीरे अब वो कम हो रहे हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे आ रहे हैं जो किशोर के आ रहे हैं। तो ऐसे काल को बोलेंगे वय संधि काल। ऐसे काल को क्या बोलेंगे? वय संधि काल। या इसी काल को बोलेंगे परिवर्तन काल। इसका मतलब हम इसको 12 से 15 लिख सकते हैं, इसको भी 12 से 15 लिख सकते हैं। इसी काल की एक विशेषता हो जाएगी कि ये कौन सा काल हो जाएगा? संक्रमण काल। कौन सा काल हो जाएगा? संक्रमण काल। तो ध्यान रखना, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों विशेषताएं हैं, ये तीनों ही विशेषताएं पूर्व किशोरावस्था में पाई जाती है।
यदि हमारे को ये पूछा जाए कि बाल्य अवस्था, शैशवावस्था या किशोर अवस्था, तब तो उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था। लेकिन ये पूछा जाए कि किशोर अवस्था में पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर किशोर अवस्था, क्योंकि अब ऑप्शन जो आ रहे हैं एग्जाम के अंदर वो आ रहे हैं उस प्रश्न की गहराई को और अधिक स्पष्ट करवाने वाले, तो हमें ये देखना है कि कौन सी अवस्था के अंदर कौन सा भाग जो है वो किस उम्र में, पहले वाले उम्र में ज्यादा होता है या बाद वाले उम्र में ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये एक बार आप नोट कर लीजिए। ये है बसंत ऋतु का काल, बसंत ऋतु के बाद ये हो जाएगा गोल्डन एज या स्वर्णिम काल, प्यूबर्टी एज कहलाती है जिसको सुंदरता की आयु बोल सकते हैं या ब्यूटी एज बोल सकते हैं। जब परिवर्तन होता है तो शुरुआत के अंदर इसको व्यसंधि काल कह दिया या परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन काल कह दिया, और इसी को विज्ञान की भाषा में संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसी कड़ी में अपन और आगे बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था के अंदर जो विकास होता है, जैसे एक तो है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगिक विकास और चौथा है सामाजिक विकास, या ऐसे कह सकते हैं कि समग्र विकास। शारीरिक विकास की तीव्रतम गति 0 से 5 की अवस्था में देखी गई थी, जब हमने देखा कि बच्चे के शरीर की वजन की मात्रा है, वजन जो है वो लगभग 3-4 गुना बढ़ गया, हाइट है वो 2 गुना बढ़ गई, तो ऐसी जो बात थी वो अभिवृद्धि का पार्ट है, शरीर से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो वो शारीरिक विकास का पक्ष हो गया। और मानसिक विकास हमने देखा कि 3-3.5 साल की एज में एनएफ गुड ने बताया था या गुड एनएफ ने बताया था कि 3-3.5 साल की एज में आधे से अधिक बुद्धि का विकास हो जाता है, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्र गति किस अवस्था की पहचान थी, शेष अवस्था की पहचान थी। लेकिन जब सभी पक्ष आए जिसमें संवेगों के ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, गुस्से को कंट्रोल करना, या फिर किस जगह रोना है, सब जगह रोना है, या रोने की बात को छुपाना भी है, ये सामाजिक विकास हो जाएगा। और सामाजिक विकास का मतलब समाज की स्वीकृति है या नहीं है इस बात को समझने लग जाना। तो ये सारे के सारे विकास द्रुत एवं तीव्र गति से, शैशवावस्था में 2 तरह के विकास ज्यादा पाए जाते हैं, बाल्यावस्था में लगभग विकास जो है वो स्थिर हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है वो गति वापस तेजी से बढ़ती है। द्रुत का मतलब होता है तेज गति से अचानक यकायक परिवर्तन आना, इसका मतलब द्रुत एवं तीव्र विकास। किस कैसे विकास? सभी तरह के विकास द्रुत एवं तीव्र गति से होते हैं। किस अवस्था में होंगे? किशोर अवस्था में। एक मिनट, अब आगे इसी चीज को अपन और देख लेते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगिक विकास और सामाजिक विकास, इसी को हमने क्या नाम दे दिया? सभी तरह के विकास किस गति में बढ़ेंगे? द्रुत एवं तीव्र गति से, द्रुत एवं तीव्र गति से। अगली जो इसके अंदर बात आती है कि एक जो सामान्य सी चीज हम जानते हैं वो है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न का एक संकीर्ण अर्थों में अगर यह देखा जाए तो हम स्वप्न दोष की बात सोचते हैं इस बारे में, लेकिन इसका एक स्वप्न दोष के बजाय एक व्यापक अर्थों में यह शब्द है कि मन के अंदर किसी भी तरह की कल्पना करना, यानी कि मन तरंग या कल्पनाओं के प्रवाह में खोए रहना, यानी कि कल्पना प्रवाह है, जिसको हमने नाम दे दिया फैंटेसी, ये दिवास्वप्न के ही पर्याय माने जाते हैं। दिवास्वप्न का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी कोरी कल्पना जो हकीकत के अंदर पूरी नहीं हुई और कल्पना के माध्यम से उसकी पूर्ति करके क्षणिक संतुष्टि प्रदान करती हो, वो दिवास्वप्न कहलाती है, मन के अंदर उठने वाली तरंग कहलाती है या फैंटेसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए यदि आप किसी भी एग्जाम के अंदर सक्सेस नहीं होते हो, एक ऐसा ही की तैयारी करने वाला एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3री बार दिया, अब वो हर बार पेपर क्लियर हो गया उसका और फिजिकल क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू में जाकर के वो रह जाता है हर बार, और इस बात से वो परेशान होकर के अब ये सोचता है कि मैं कल्पना कर रहा है कि मैं कोई एक ऐसी कंपनी खोलूंगा जिसके अंदर मैं नौकरी दूंगा और नौकरी देने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति आएगा तो वो योग्य व्यक्ति पेपर में पास हो जाएगा,
मेडिकल में पास हो जाएगा, फिजिकल में पास हो जाएगा, उसके बाद जब वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आएगा तो मैं उसके डॉक्यूमेंट फेंक करके उसको कहूंगा कि जा तेरे को नौकरी नहीं दी। इसका मतलब वो उस चीज को सोच करके अपनी जो बढ़ास थी, अपनी जो उसके असफलता थी, अपनी जो उसको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ा, उस चीज को उस कल्पना के सहारे से वो संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति जो कुंवारा है जिसकी शादी नहीं हुई, अब वो किसी के शादी के किसी डीजे की आवाज को सुन करके अब घर में बिस्तर पर बैठा बैठा ये सोच रहा है कि ऐसे ही मेरी शादी होगी। अब ये जो दूल्हा शादी के लिए यहाँ पर घोड़ी पर बैठा हुआ है, अब उसको उतार करके मैं उसकी जगह बैठ जाऊं और मैं इसके बारात में जाऊं, इसकी बारात के अंदर ये जो प्रोग्राम है इसको मैं मेरे हिसाब से ऐसे चेंज करूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कर रहा है, दिवा स्वप्न मन तरंग या कल्पना प्रवाह के माध्यम से क्या कर रहा है, अपने आप को संतुष्टि ले रहा है, अपने आप को संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। और ये किस अवस्था में हुआ था, किशोर अवस्था में। जैसे मान लीजिए घर पर किसी ने आपको डांटा तो हम मन ही मन में ये सोचते हैं कि इसको जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पीटूंगा या इसको वापस डांटूंगा। इसका मतलब हमने मन में सोच करके उसको संतुष्टि प्रदान करने की, अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश की। तो ऐसी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, किशोर अवस्था को। ये फेंटेंसी नाम है, इसका मतलब होता है मन में उठने वाली कल्पनाएं या कोई भी ऐसी मन की बात जो हम चाहते हैं कि ये बात मेरी हो या इस बात की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, इसको बोलते हैं फेंटेंसी। इसी अवस्था में कुसमायोजन या इसको बोल सकते हैं असमायोजन, या इसको बोल देंगे समायोजन का अभाव पाया जाता है। कुसमायोजन होता है, असमायोजन होता है, या समायोजन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वो अपने आप को समाज के लोगों के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाता, इसको बोलते हैं कुसमायोजन। यानी कि वातावरण का उसका खुद का तालमेल नहीं बैठ पाता, उसको क्या बोलते हैं, कुसमायोजन बोलते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता रहती है उसको। व्यवसाय चुनाव का मतलब होता है कि जब 10th क्लास के बाद हम 11th क्लास की ओर बढ़ते हैं तब हमारी उम्र रहती है 15 से 16 वर्ष, और उस काल में जब हम 16-17 साल के होते हैं, 15-16-17 साल की एज के बीच के होते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि 11th क्लास में अब हम आर्ट्स लेवें या साइंस लेवें या कॉमर्स लेवें या एग्रीकल्चर लेवें, कौन सा सब्जेक्ट लेवें। जैसा सब्जेक्ट लेंगे ये बाकी जो सब्जेक्ट है हमारे छूट जाएंगे। इसका मतलब हम आगे के जीवन के अंदर क्या व्यवसाय करेंगे, कैसी जॉब करेंगे, कैसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, ये इसी समय तय हो रहा है, और इसी को बोलते हैं व्यवसाय चुनाव की चिंता। तो व्यवसाय चुनाव की चिंता किस काल की पहचान है ये पूछा जाए तो हमें लगता है कि प्रौढ़ावस्था की होती होगी, पर ये तय उस समय हो जाता है जब हम 11th क्लास के अंदर बाकी सब्जेक्ट को छोड़ करके एक क्षेत्र चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आर्ट्स वाले साइंस के अब कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, बीएससी नहीं कर पाते हैं, या बाद में अगर चेंज करें वो बात अलग है, लेकिन एक बार के लिए उसने छोड़ दिया था, तो ये सब क्या कहलाता है, व्यवसाय चुनाव की चिंता कहलाता है। अब विचारों में संवेगों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर परिवर्तन होता है। विचारों और संवेगों में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है, और ये सारे सारे किस रूप में आ जाते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो जाती है इसकी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो मित्रता है वो मित्रता कैसी होगी, समलिंगी भी होगी और विषमलिंगी भी होगी। ध्यान रखना किशोर जो है उसके कुछ दोस्त लड़के भी होंगे और कुछ लड़कियां भी होंगी। इसका मतलब समलिंगी और विषमलिंगी दोनों तरह की मित्रता किस काल की पहचान है, किशोर अवस्था की। तो इसको भी नोट कर लेना, समलिंगी प्लस विषमलिंगी मित्रता। और हमने पहले जिक्र किया था मित्रता का जो आयु वर्ग होगा वो कैसा होगा, समवयस्क होगा। शिशु के साथ मित्रता शिशु काल की अवस्था, किसी भी उम्र के साथ मित्रता लेकिन अपने ही जाति वर्ग के साथ वो बाल्यावस्था, अपने ही आयु के साथ लेकिन मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, समलिंगी भी होंगे और विषमलिंगी भी होंगे, ऐसी अवस्था कौन सी है, किशोर अवस्था। और ये जो मित्रता है इस मित्रता को बोलते हैं स्वार्थ परक मित्रता। कैसी मित्रता होगी, स्वार्थ परक मित्रता।